नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है द न्यूज टॉल्क पर, जहां पर हम जानने वाले हैं देश और विदेश की 50 से भी ज्यादा बड़ी खबरें। तो वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, साथ ही आप कहां से यह वीडियो देख रहे हैं यह भी जरूर बताइएगा। तो चलिए बिना देरी के जानते हैं सिर्फ 10 मिनट में 50 से भी ज्यादा बड़ी खबरें। देश में कोरोना के मामलों में अचानक तेजी, 24 घंटों में सामने आए 282,000 नए केस, 441 लोगों की मौत, एक्टिव केस 18 लाख के पार। कोरोना के चलते अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर 28 फरवरी तक जारी रहेगी रोक, डीजीसीए ने लिया फैसला। नई कॉम्बैट यूनिफॉर्म पहन ईस्टर्न कमांड का दौरा करने पहुंचे सेना प्रमुख एमएम नरवणे, तैयारियों का भी लिया जायजा। ईपीएफओ का ऐलान, अब सैलरी की तरह मिलेगी पेंशन, पहली तारीख को नहीं, महीने की अंतिम तारीख ही खाते में आ जाएंगे पैसे। WHO ने दिया संकेत, इस साल मिल सकता है COVID-19 से जुड़ी स्वास्थ्य आपात स्थिति से छुटकारा। भारतीय टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा लेगी संन्यास, ऑस्ट्रेलियन ओपन में हार के बाद किया ऐलान। चीन में लगातार दर्ज हो रहे कोरोना के मामले, अर्थव्यवस्था पर भी असर और सख्त हो सकती है पाबंदियां। सरकार ने इंटरनेशनल रोमिंग सिम कार्ड नियमों में किए बदलाव, विदेश जाने वाले भारतीयों को होगा फायदा। अखिलेश के मुफ्त बिजली के वादे पर सीएम योगी का तंज, बाप ने अंधियारे में मारा बेटा पावर हाउस बनाएगा। पुडुचेरी में 31 जनवरी तक रहेंगे स्कूल बंद, राज्य शिक्षा मंत्री ने की घोषणा। दिल्ली में गणतंत्र दिवस पर कार बम धमाके की आशंका, आईबी ने पुलिस को दिए इनपुट, 15 फरवरी तक दिल्ली हुआ नो ड्रोन जोन घोषित। सीडीएस बिपिन रावत के छोटे भाई कर्नल विजय रावत से मिले सीएम पुष्कर सिंह धामी, बीजेपी ज्वाइन करने की अटकलें तेज। प्रधानमंत्री मोदी जल्द ही भाजपा मध्य एशिया शिखर बैठक की करेंगे मेजबानी, कई देशों के नेता भी लेंगे भाग। सिद्धू का बड़ा ऐलान, सरकार बनी तो महंगाई दर से तय करेगी मजदूरी, फसलों को मिलेगा MSP। इफको के 17वें अध्यक्ष बने दिलीप संगाणी, कहा यह सहकारी संस्था किसानों के लिए काम करना जारी रखेगी। सरकार ने राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग की मियाद 3 साल के लिए बढ़ाई, रिन्यूएबल एनर्जी के लिए भी की घोषणा। पंजाब में बीजेपी 60 से 62 सीटों पर लड़ेगी चुनाव, सहयोगी दलों के साथ सीटों का फॉर्मूला तय। मौसम की मार से बचने के लिए पीएम FBY का सहारा, सिर्फ रबी सीजन के लिए महाराष्ट्र के किसानों ने दिए 677 करोड़ रुपए। बीजेपी ने जारी की स्टार प्रचारकों की लिस्ट, पीएम मोदी समेत 30 नेता करेंगे उम्मीदवारों के लिए चुनाव प्रचार। इजराइल ने पृथ्वी के वायुमंडल के बाहर टेस्ट किया RO बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम, खूबियां ऐसी कि दुश्मन भी कांप उठे। कोरोना की मार रहेगी जारी, इस साल 2.1 करोड़ से ज्यादा लोग रहेंगे बेरोजगार, स्टडी में दावा। अफगानिस्तान में पाकिस्तान के खिलाफ सड़कों पर उतरे लोग, डर की वजह से NSA मोइद यूसुफ ने रद्द की काबुल यात्रा। महाराष्ट्र विधानसभा से 12 विधायकों के निलंबन का मामला, सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी MLA की याचिका पर आदेश को रखा सुरक्षित। पाकिस्तान में 5 स्टार सुविधाओं का लाभ उठा रहे अपराधी, UN में भारत का डी कंपनी और दाऊद की तरह भी सारा। कोरोना का बड़ा खतरा, इस साल गणतंत्र दिवस परेड में नहीं शामिल होंगे विदेशी मेहमान। किसान नेता राकेश टिकैत का ऐलान, चुनाव में नहीं करेंगे किसी का समर्थन, आंदोलन के बाद किसानों के बारे में सोचते हैं राजनीतिक दल। मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम में निकली कई पदों पर नौकरियां, बिना परीक्षा डायरेक्ट मिलेगी नौकरी।
बिहार के गोपालगंज में किसानों मजदूरों को लेकर जा रही नाव पलटी, दो महिला समेत तीन लोगों की मौत, 10 से ज्यादा लोग लापता। वैक्सीन ऑन व्हील से अब महाराष्ट्र में वैक्सीनेशन को मिलेगी रफ्तार, स्कूल खोलने पर कल कैबिनेट मीटिंग में होगा विचार, बोले राजेश टोपे। यूपी इलेक्शन में हाथरस रेप कांड के पीड़ित परिवार ने कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ने से किया इनकार, बोले टिकट नहीं पहले न्याय चाहिए। बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ और ममता बनर्जी में टकराव, गवर्नर ने सीएस को दिया 7 दिनों का अल्टीमेटम, कार्रवाई की धमकी दी। कोरोना से मौत पर मुआवजा, आंध्र प्रदेश और बिहार के मुख्य सचिवों को सुप्रीम कोर्ट की फटकार, पेश होने को कहा। देश में बड़ी मोबाइल ग्राहकों की संख्या, जियो और एयरटेल को भी मिला फायदा, वोडाफोन की मुश्किलें भी बड़ी। पंजाब में सीएम चन्नी के रिश्तेदार के घर ईडी की रेड का मामला, अब तक 10 करोड़ से ज्यादा का केस बरामद। आईएनएस रणवीर में विस्फोट पर खुलासा, एसी कंपार्टमेंट में गैस लीक होने की वजह से हुआ आईएनएस रणवीर में धमाका। दिल्ली में दो संदिग्ध बैग मिलने से मचा हड़कंप, मौके पर पहुंची पुलिस कर रही जांच। सुप्रीम कोर्ट पर कोरोना का कहर, 10 जज और 400 से अधिक कर्मचारी हुए कोरोना पॉजिटिव। अखिलेश यादव को चुनाव आयोग से बड़ी राहत, कोविड प्रोटोकॉल उल्लंघन के मामले में चेतावनी देकर छोड़ा। उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव के घर में सेंध, बहू अर्पणा यादव ने बीजेपी ज्वाइन की, बोली मेरे लिए राष्ट्र धर्म सबसे ऊपर। यूक्रेन रूसिया हालात हुए खतरनाक, कभी भी यूक्रेन पर हमला कर सकता है रूस, अमेरिका ने दी चेतावनी। दुनिया के सबसे उम्रदराज व्यक्ति का 112 साल की उम्र में निधन, परिवार में है 8 बच्चे, 14 पोती पोता और 22 परपोत्र। गाजीपुर मंडी बम केस में बीते एक महीने में खरीदे गए सिम कार्ड और नए मोबाइल फोन का डेटा तलाशने में जुटी पुलिस, बॉर्डर पर रची थी साजिश। अब लेफ्ट पार्टियों की राह पर कांग्रेस, विधानसभा चुनाव से पहले बुकलेट रिलीज कर बीजेपी पर बोलेगी हमला। उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेंगे अखिलेश यादव, आजमगढ़ की गोपालपुर विधानसभा सीट से होंगे मैदान में। दिल्ली में अभी भी शीतलहर से राहत नहीं, जारी रहेगी सर्दी का कहर, आईएमडी ने बारिश की चेतावनी जारी की। परियोजनाओं में वन संरक्षण अधिनियम के उल्लंघन की याचिका पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट सख्त, 17 कलेक्टर समेत मुख्य सचिव को नोटिस। उत्तर प्रदेश निर्वाचन विभाग का निर्देश, सूचनाओं के लिए कंट्रोल रूम को 24 घंटे रखे एक्टिव, आचार संहिता के उल्लंघन पर हो तुरंत कार्रवाई। बजट 2022 में ज्वेलरी इंडस्ट्री की मांग, सोने से बने गहनों पर जीएसटी घटाकर 1.25% करे सरकार। कोरोना के चलते अब हाइब्रिड होगी बीजेपी की चुनावी रैली, पार्टी ने बनाई रणनीति, सोशल मीडिया पर इस तरह होगा भाषण का प्रसारण। मुंबई में गे सेक्स रैकेट का हुआ भंडाफोड़, आपत्तिजनक वीडियो बनाकर करते थे ब्लैकमेल, 3 आरोपी गिरफ्तार, 2 अब भी फरार। चलिए दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आपका इस वीडियो पर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।